तो गाइस कैसे हो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साउथ की न्यू धमाकेदार सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जिसमें आपको काफी अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहना ताकि मूवी की स्टोरी लाइन आपको अच्छे से पता चल सके। तो गाइस उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह सभी मूवीज यूट्यूब पर अपलोडेड है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, उससे पहले इन मूवीज को देख लीजिएगा। तो गाइस नंबर 8 पर मूवी आती है साल 2022 में सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी विक्रम द चक्रव्यूह, जिसमें आपको ध्यान, शिलू अब्राहम और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में तीन फॉरेंसिक सर्जन जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उनसे एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक हत्या के जांच में फंस जाते हैं। जब उन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है तो उनके पास बेगुनाही साबित करने का कोई भी सबूत नहीं होता है। तो आखिर उन तीनों ने किसी की हत्या की है या फिर उन्हें कोई फंसा रहा है, और वह अपनी साबित कैसे करेंगे, यह पता लगाने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की स्टोरी काफी कमाल की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 5.4 out of 10 और 66% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 7 पर मूवी आती है साल 2022 में मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी करमनी वादिका रस्ते, जिसमें आपको दिव्या, प्रति, सुरभुम और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में डॉक्टर गन की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो जाती है, तो उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह के अटकने और संदेह पैदा हो जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यह एक गुरु हत्या हो सकती है जो सदियों पुरानी काल कोठरी से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद देव और जानवीर उस रहस्य को पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं जो उन्हें सदियों पुरानी कोतरी से मिलवाती है। तो आखिरकार डॉक्टर गुन की हत्या दिल का दौरा पड़ने से हुई है या फिर उनकी हत्या किसी ने की है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 5.8 out of 10 और 60% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6 पर मूवी आती है साल 2021 में साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी जी जॉम्बीज, जिसमें आपको आर्यन गौरिया, दिव्या पांडे और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में युवा डॉक्टर की एक टीम संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए एक वैक्सीन का आविष्कार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिल्म में ट्विस्ट जब आता है जब शुरुआती परिश्रम लोगों को जॉम्बीज में बदल देते हैं और वह जॉम्बीज पूरे शहर में आतंक मचा देते हैं, तो उन डॉक्टरों के सामने बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अब डॉक्टर उन परेशानी से कैसे निपटेंगे, क्या उन जॉम्बीज को फिर से ठीक किया जा सकता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको जॉम्बीज फिल्म देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 4.6 out of 10 और 56% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 5 पर मूवी आती है साल 2022 में मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी द बिग डैडी हाउस, जिसमें आपको ट्रूपी, मिलंद, अक्षय वर्मा और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी एक गेम के इर्द गिर्द घूमती है और ये कोई मामूली गेम नहीं है। इस गेम में 10 लोग होते हैं और उन सबके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घटती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उस गेम को खेलते समय उसमें से एक आदमी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है, मतलब कि उसका मर्डर हो जाता है। तो यह खून किसने किया और किस तरह से खतरनाक गेम होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। यह मूवी इंसान के लालच, ख्वाहिश, धोखेबाज सबको एक बड़े ही अनोखे तरीके से दिखाती है। फिल्म में आपको खतरनाक सीन देखने को भी मिलेंगे। फिल्म कमाल की है जिसे आप मिस तो बिल्कुल ही मत करना। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 7.4 out of 10 और 85% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 पर मूवी आती है साल 2020 में ड्रामा थ्रिलर मूवी पुथिया नियमम, जिसमें आपको नैनतारा, ममूटी, शीलम और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में वासु एक प्रतिकली कलाकार है, वह अपने पड़ोसियों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ रेप किया है। वासु के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं को अपने पिता से बताने में घबराती है, इसलिए वे DSP गीता की मदद लेती है अपना बदला लेने के लिए जिन लोगों ने वासु के साथ बलात्कार किया था। अब वासु उनके साथ क्या करेगी और
अपना बदला कैसे लेगी यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। मूवी में लड़की के रेप होने के बाद वह किन किन परेशानियों का सामना करती है यह मूवी में बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म का IMDb की रेटिंग मिली है 5.6 out of 10 और 80% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 पर मूवी आती है साल 2022 में सस्पेंस हॉरर थ्रिलर मूवी कस्तूरी महल, जिसमें आपको काशिम रफी, शबनम, कनाडा, अशोक और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक प्राचीन मिस्टीरियस बुक के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में मेगा नाम की एक लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट है और एंटिक चीजों को कलेक्ट करना उसकी लाइफ का एक एम होता है। लेकिन एक दिन मेगा एक पुराने घर पर जाती है जहां से वो 9 साल पुरानी एक किताब को चुरा लेती है, जिसमें कई सारी मिस्टीरियस घटनाओं को बताया जाता है जो कि मेगा को काफी डरा देने वाली लगती है। तो मेगा उन मिस्टीरियस घटनाओं को पता लगाने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब मेगा उन मिस्टीरियस घटनाओं में बुरी तरह से फंस जाती है। तो आखिर उस किताब में ऐसा क्या होता है जो मेगा मिस्टीरियस घटनाओं का शिकार हो जाती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म में हॉरर सीन और कहानी परफेक्ट तरीके से दिखाई गई है। फिल्म काफी अच्छी है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 5.4 out of 10 और 70% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। नंबर 2 पर मूवी आती है साल 2020 में मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी रुद्रा, जिसमें आपको राशि खन्ना, ईशा, अजय देवगन और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में एक लड़की पुलिस को फोन करके बताती है कि उसके मोम डैड की हत्या हो गई है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एक सस्पेंस पुलिस ऑफिसर रिज्वाइन करने के बाद जांच पड़ताल में इन्फॉर्म करने वाली लड़की को ही क्रिमिनल बताता है, तो दूसरी तरफ शहर में एक और मर्डर हो जाता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन DSP रुद्रा करता है। और हर कुछ समय के बाद मर्डर और मिसिंग के मामले पुलिस के सामने आने लगते हैं, जो सबको डरा देते हैं क्योंकि ज्यादातर मरने वाले पुलिस ही होते हैं। तो आखिरकार उस लड़की के मॉम डैड की हत्या लड़की ने की है या फिर उसे फंसाया जा रहा है, और पुलिस वालों की एक के बाद एक हत्या कौन कर रहा है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म में आपको क्राइम के साथ सस्पेंस सीन भी देखने को मिलेंगे। फिल्म काफी अच्छी है जिसे आप मिस मत करना। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 6.7 out of 10 और 66% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। उसे कोई नहीं पकड़ सकता। हर चूतिया को यही लगता है कि वो चूतिया नहीं है जब तक उसका बाप उसके सामने नहीं आ जाता। अब क्या करोगे रुद्र? तोड़फोड़। अब नंबर 1 पर मूवी आती है साल 2023 में हॉरर थ्रिलर मूवी माया, जिसमें आपको नयनतारा, आरी, लक्ष्मी और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी में अक्षरा एक अकेली माँ है जिसको जीविका के लिए विज्ञापन फिल्मों में काम करना पड़ता है। उसे एक चुनौती दी जाती है जिसमें उसे एक थिएटर में जाकर अकेले बैठकर उसे एक हॉरर फिल्म देखनी होगी क्योंकि उसके लिए फायदेमंद है, और उसे ऐसा करने पर बहुत ही अजीब घटनाओं का सामना होने लगता है। तो आखिर अक्षरा को कौन चुनौती देता है और उस चुनौती के बाद क्या घटना होने लगती हैं, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मूवी के हर एक सीन में आपको सस्पेंस के साथ हॉरर सीन भी देखने को मिलेगा जो कि आपको एंड तक देखने पर मजबूर कर देगा। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 7.5 out of 10 और 90% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऐसी ही हॉरर, सस्पेंस, मिस्ट्री वाली मूवीज चाहिए तो हमारी वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।